नमस्कार, जय महादेव। मैं हूं आपकी एस्ट्रो मां श्री तारा कृष्णा शर्मा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना प्रोग्राम एस्ट्रो मां। जी आप भी करना चाहते हैं मुझसे सीधी बात, तो हमें कॉल कर सकते हैं बताए गए हुए टोल फ्री नंबर पर। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं, हमारा टोल फ्री नंबर है 1-800-102-6303। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमारे लैंडलाइन नंबर्स 0120-464-6332, 0120-464-6327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। जी हाँ, सीधी बात कर सकते हैं। आज के दिन जिस बच्चों का जन्मदिन है उन सभी को हार्दिक शुभकामनाओं के साथ में शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। भाई आज का टॉपिक क्या है? आप बिना सोचे समझे किसी के घर का खाना खा लेते हैं या फिर जबरदस्ती से खाते हैं, कैसे उसका पश्चाताप करने के लिए उसका क्या असर होता है वो तो बताएंगे, मगर उसका पश्चाताप करने के लिए आप क्या कर सकते हैं उसके लिए खास उपाय बताएंगे। मगर बात कर लेते हैं आज राशियां आपकी क्या कहती हैं और क्या करना चाहिए खास उपाय, तो बताते हैं मेष राशि वालों के लिए आज का दिन क्या कहता है। आज का दिन आपके लिए कहता है, आज आपका रुझान अध्यात्म की तरफ रहेगा, दूसरों के मामले में दखल ना दें। कार्यस्थल पर सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। शिक्षार्थियों के लिए भी दिन आज अच्छा रहेगा। और आज आपका खास उपाय ये है कि आज जो है भगवान कृष्ण के मंत्रों का जाप आपके लिए बेहद उत्तम हो जाता है। हम बात करेंगे वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन आपके लिए क्या कहता है। आज आप खुद को काम के बोझ तले दबा हुआ पाएंगे, वाणी पर संयम बरतिएगा, नहीं तो किसी से वाद विवाद या मन मुटाव हो सकता है। खर्च पर संयम रखने से निरर्थक खर्च आपके टल सकते हैं। और आज आपको क्या करना है, आज जब भी या घर से बाहर जा रहे हैं या घर में भी हैं तो भी आपने क्या करना है, अपने पास अपने रुमाल में, स्त्रियां हैं तो अपने पल्लू में क्या करना है, थोड़े से चावल जो है आपने बांध कर रखना है। और अगर कहीं बाहर जा रहे हैं तो अपने पॉकेट में रख लीजिए। हम बात करेंगे मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन क्या कहता है। गैर जरूरी काम करेंगे तो आज का दिन काफी निराशाजनक हो सकता है। दूसरों को प्रभावित करने के लिए जरूरत से ज्यादा खर्च ना करें। अपने परिवार के स्वास्थ्य की तरफ ध्यान देना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आज आपको क्या करना है, आज गणेश जी के मंदिर में जाकर आपने तिल के लड्डुओं का भोग चढ़ाना और साथ ही गणेश जी को धूप चढ़ाना अति उत्तम हो जाता है। हम बात करेंगे कर्क राशि वालों आपके लिए आज का दिन क्या कहता है। कहता यह है कि नए कार्य का प्रारंभ करने के लिए उत्साह रहेगा। शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्यता का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आज जो है धन प्राप्ति का भी योग बन रहा है। भागीदारी के कार्यों में लाभ की उम्मीद भी यहाँ पर नहीं दिख रही है, तो अकेले सही। चलिए आपके लिए खास उपाय ये कहता है, जब घर से बाहर निकले तो आज कुछ मीठा खा के जाइएगा और मस्तक के बीचों बीच अष्टगंध का तिलक लगा के जाइएगा तो आज का दिन आपका शुभ हो जाता है। हम बात करेंगे सिंह राशि वालों के लिए खास दिन क्या कहता है। कहता यह है कि आज का दिन आपके लिए शुभ है। अभी तक किए गए कार्यों के फलस्वरूप आप आमंदनी की अपेक्षा रख सकते हैं। अनिद्रा के कारण आपको शारीरिक थकावट और तनाव का अनुभव भी हो सकता है। आज आपको खास उपाय ये करना है कि आज जो है गहरे रंग के वस्त्र कोई भी नहीं पहनने, जितना हो सके हल्के कलर के कपड़े पहनना आपके दिन को और भी ज्यादा शुभ बना सकता है और माँ का आशीर्वाद जरूर प्राप्त करिएगा। हम बात करेंगे कन्या राशि वालों के लिए खास उपाय क्या कहता है, क्या कहता है आपका दिन। स्वभाव में थोड़ा घमंड रहने की संभावना दिखाई दे रही है। संवाद के दौरान अपनी वाणी पर ध्यान देने की जरूरत होगी। मुलाकात या नए संबंध बनाने के आसार यहाँ पर नजर आ रहे हैं, तो बिल्कुल बनाइए। आज आपको क्या करना है, आज जो है श्री कृष्ण को तुलसी दल चढ़ाना बेहद उत्तम हो जाता है आज का दिन। चलिए हमारे कॉलर का सिलसिला भी जारी हो चुका, हमसे बात करते हैं। रेणु जी हमारे साथ जुड़ चुकी है, स्वागत करते हैं। हेलो। हाँ जी मैम। हाँ जी राधा कृष्ण जी। जय राधा कृष्ण। जय महादेव। जय महादेव जी। मैम अपने पति के बारे में जानना चाहती हूँ, वो कुछ दिनों से बहुत ज्यादा बीमार रह रहे हैं। पति की जन्म तिथि जन्म समय बताइए। जन्म तिथि तो मेरे को जन्म पता नहीं, नाम के अकॉर्डिंग। हाँ नाम बताइए। कमल किशोर। कमल किशोर। हाँ जी वैसे बोला कहते हैं जी। कब से है ये तबियत खराब? मैम 6-7 महीने हो गए हैं, फरवरी की 28। बिल्कुल आप बस मैंने यहाँ प्रश्न कुंडली जो बनाई है उसके आधार पर यहाँ बता दें कि यहाँ पर जो है इनकी जो स्वास्थ्य के ऊपर जो असर पड़ा है, आप 6-7 कह रहे हैं, यहाँ पर जो है कम से कम ये मान के चलिए 10-11 महीने हो चुके हैं, बल्कि ज्यादा ही है, कम नहीं है। और साथ ही यहाँ पर स्वास्थ्य में धीरे 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 जो गिरावट आती है उसका कारण यहाँ मंगल यहाँ पर कमजोर और वीक नजर आ रहा है।
जिसकी वजह से जब मंगल हमारा कमजोर होता है, मंगल की दृष्टि यहाँ पर जो है हमारे छठे भाव पे यहाँ पर कम पड़ रही है, तो ऐसे में यहाँ पर हमें मंगल को प्रबल बनाना है, मंगल को प्रबल बनाना है, साथ ही जो है इनको दवाई भी लगे तो उसके लिए भी यहाँ पर एक खास उपाय ये करना है। एक तो जो है मसूर की दाल इनके ऊपर से उसारिएगा और बहते हुए जल में प्रभावित करिएगा हर मंगलवार के दिन। और शनिवार के दिन क्या करना है, एक सिक्का शुक्रवार की रात में इनके सिराने रखिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। दूसरे दिन जो है आप किसी भी पानी में या जल में डाल दीजिए या किसी मंदिर में डाल दीजिए, वो अच्छा रहेगा। तीसरा एक उपाय और है इनके लिए, खास उपाय है इनके सिराने जो है आपने लाल रंग का एक रुमाल या लाल रंग का तकिया का गिलास जो है इनके लिए सिराने हो तो इनके स्वास्थ्य को और भी ज्यादा अच्छा रहेगा। तांबे के लोटे से जल पिलाना, तांबे के गिलास से जल पिलाना इनके लिए शहद को और ज्यादा उत्तम बना सकता है। जय महादेव। राम कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत करते हैं। हेलो जी मैम, राधे राधे। राधे राधे, श्री राधे जी। जी मैम, हम अपने बेटे के विषय में जानना चाहते हैं। बेटे की जन्म तिथि 9 जनवरी 2001, उन्नाव, उत्तर प्रदेश। समय बताइए। समय 1:40 दोपहर का। जी सवाल पूछिए। जी इसका आगामी भविष्य कैसा रहेगा, कोई सरकारी सेवा में ये जा पाएगा या नहीं जा पाएगा, अभी तो अध्ययनरत है। बिल्कुल हाँ, अभी तो ये जो है 16 साल का है। स्वास्थ्य इसका कैसा रहेगा आगे? अरे बिल्कुल बताएंगे। एक जो है इसकी जो राशि है वो मिथुन राशि है और लगन में यहाँ पर मेष राशि संचार कर रही है, और साथ ही यहाँ पर अगर हम देखते हैं दशम भाव में कौन सी राशि संचार कर रही है तो बुध की राशि संचार कर रही है मकर राशि में बैठकर। और बुध इसकी कुंडली में यहाँ पर जो है कितनी डिग्री का, 4 डिग्री का होकर बैठा है। लगन मजबूत है मगर राशि का स्वामी थोड़ा सा कमजोर है, जिसकी वजह से पढ़ाई लिखाई में थोड़ा सा ये कह सकते हैं जितना बेहतर हम समझ सकते हैं उतना है नहीं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा जो है बुध जो है हमारे जो वाणी है बोलने में भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं जो है एकदम बहुत ज्यादा साई टाइप का, जैसे शर्मिला टाइप का कह सकते हैं। तो इसलिए इसके हाथों से जो है हर बुधवार के दिन गणेश जी को जो है एक तो धूप चढ़ाना, गणेश जी की पूजा आराधना करना, गणेश रुद्रास होता है अगर इसको पहना सकते हैं तो बहुत ज्यादा उत्तम हो जाता है। साथ ही जो है गाय को पालक खिलाना इसके बुध ग्रह को और ज्यादा प्रबल बना सकता है, ताकि ये बोलने में सामने वाले को अट्रैक्ट कर ले और हर चीज में यानी पढ़ाई लिखाई में जब भी हो जो भी याद करे तो बुद्धि के देवता गणेश जी की पूजा आराधना इसके ऊपर जो है अपनी कृपा बनाएगी और इसके जो है भाग्य को और ज्यादा उत्तम बनाएगी। सरकारी जॉब के यहाँ पर अभी तो यह चांसेस जो है अभी कह सकते हैं अभी थोड़ा भी विलंब है, थोड़ा सा यहाँ पर सूर्य को और ज्यादा मजबूत बनाइए, बुद्ध को मजबूत बनाइए, इसके भाग्य अच्छे रहेंगे। जय महादेव। सिमी हमारे साथ जुड़ी हुई है, स्वागत करते हैं। हेलो। हाँ जी मैम, नमस्कार जी। नमस्कार, जय श्री। हाँ जी, मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ मैम जी। बेटे की जन्म तिथि? जन्म तिथि है 2 नवंबर 1993। और समय बताइए। 1:11 चंडीगढ़। ये दिन का है? हाँ जी दिन का, दोपहर का जी। क्या पूछना चाहती है? उसको, उसने बीटेक करा हुआ है इंजीनियरिंग में, उसको 1.5 साल हो गया जॉब नहीं मिली, अब वो जॉब बिजनेस करना चाह रहा है गवर्नमेंट क्षेत्र में पावर हाउस में, तो वो पूछना है कि उसका बिजनेस आगे अच्छा चलेगा या नहीं। मैं बिल्कुल एक चीज बता देते हैं, पहले हम यहाँ बात करेंगे, आपने कहा कि ये जो है जॉब वगैरह में इसको जॉब वगैरह मिल नहीं रही, कारण क्या है, जॉब क्यों नहीं मिल रही है? तो यहाँ पर एक तो जो है जब भी इंटरव्यू वगैरह के लिए जाता है कहीं भी जाता है प्रभावशाली नहीं बन पाता, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसके राशि का स्वामी वृषभ राशि का शुक्र जिसके स्वामी है और लगन में यहाँ पर मकर राशि संचार कर रहे हैं, शनि जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो ऐसे में यहाँ पर शनि की डिग्री 29 है, स्वयं ग्रही होके बैठे हैं, प्रभावशाली है। मगर यहाँ पर अगर हम शुक्र की बात करते हैं तो शुक्र जो है कहीं ना कहीं जो है इनके ऊपर अच्छी दृष्टि नहीं डाले हुए, तो ऐसे में यहाँ पर इनके लिए अच्छा रहेगा एक तो पीपल वृक्ष मीठा जल चढ़ाना। अपना कार्य कर सकते हैं मगर जो है किसी के साथ पार्टनरशिप ना करें, कार्य जो अपना बिजनेस खुद का करना चाहेंगे उसमें जो है कह सकते हैं कि प्रॉफिट जो है इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा। अभी राहु की महादशा चल रही है, गोमेद रतन धारण कर लें और साथ ही यहाँ पर अपने राशि के स्वामी को थोड़ा सा प्रबल बना लें, यानी कि शुक्र की चीजों का जितना इस्तेमाल कर सकते हैं तो इनके लिए अच्छा रहेगा। और शनिदेव की पूजा आराधना, पीपल वृक्ष पे पीपल मीठा जल चढ़ाना और गोमेद 6.25 रत्ती का पहन लेंगे तो यकीन है फिर से दोबारा जॉब के लिए ट्राई भी करेगा तो इसकी जॉब जरूर लगेगी, मगर गवर्नमेंट नहीं प्राइवेट जॉब लगेगी, क्योंकि सूर्य और बुध दोनों बैठे मिल सकती है, मगर जो है यहाँ पर अब प्राइवेट जॉब के इसके योग अच्छे हैं, अंडरटेकिंग गवर्नमेंट जॉब लगेगी। जय महादेव। अनीता हमारे साथ जुड़ी हुई है, स्वागत करते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार। नमस्कार मैम। नमस्कार, जय महादेव जी। मैं अपने बच्चे के बारे में पूछना चाहती हूँ जी। बताइए जी, उसका जन्म है 18 दिसंबर 2002 शाम के 6 बजे। एक बार समय फिर से बताइए। शाम को 6 बजे जी। सवाल पूछिए।
जी मैम, ये थोड़ा जिद्दी सा है और पढ़ाई लिखाई में कमजोर है, उसका भविष्य कैसा रहेगा ये पूछना। पढ़ाई लिखाई में कमजोर है तो उसके लिए यहाँ पे देखें, पहले देखेंगे हम लगन में, यहाँ पे मिथुन राशि है और साथ ही यहाँ पर वृषभ इसकी खुद की राशि है, लगन है मिथुन और राशि है वृषभ। तो ऐसे में यहाँ पर अगर थोड़ा सा चंचलपन यहाँ पर है इसके अंदर, शुक्र कहाँ बैठा है, इसके पंचम भाव में बैठा है और साथ ही यहाँ पर जो दशाएं चल रही हैं वो कहीं ना कहीं भटकाव बच्चे के अंदर ला देती है, यानी कि राहु की मादा से चली है, 2032 तक रहेगी। तो ऐसे में यहाँ पर इसके लिए अच्छा रहेगा, एक लॉकेट इसके लिए भी मैं बोलूंगी अगर पहना सकते हैं तो अच्छी बात है, अन्यथा इसके हाथ से जो है जौ पे दूध के छिट्टे मारने के बाद सफेद रंग के कपड़े में लपेट कर इसके ऊपर से उतार कर बहते हुए जल में आपने जौ को कितने करना है, 125 ग्राम के करीब जो है बहते हुए जल में प्रभावित करना है। साथ ही मूली बिना पत्तों की इसके ऊपर से उतारिए, शिवलिंग पे छोड़ के आइए बुधवार और सोमवार, तो ये जो है इसके ग्रहों को जो थोड़ा सा यहाँ पे भटकाव आ रहा है उससे जो है इसको मुक्ति मिलेगी। इसके मस्तक के बीचों बीच कौन सा तिलक लगाना, अष्टगद का तिलक लगाना बेहद उत्तम हो जाता है। गणेश जी की पूजा आराधना करें। जय महादेव। आयुष अमर से जुड़े हुए स्वागत करते हैं। हेलो हेलो, जय महादेव। मेरा डेट ऑफ बर्थ 16/2/2002, जन्म है ग्वालियर का, टाइम 3:30 बजे है। दिन का नहीं, रात का। रात का, अच्छा बेटा, क्या पूछना चाहते हो? मैं अपने भविष्य के बारे में पूछना चाहता हूँ। 16 जून 2000? नहीं, 16 फरवरी। 16 फरवरी, हाँ, 2001। बिल्कुल, यहाँ पर आपने भविष्य के लिए जो बात की है, भविष्य के लिए यहाँ पर एक चीज देखना चाहेंगे, पढ़ाई लिखाई के लिए यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर कह सकते हैं कि बेटा थोड़ा जो पढ़ाई लिखाई का हमारा थोड़ा सा जो है मन थोड़ा सा कहीं पूरा आप सोचते हो कि मैं पढ़ रहा हूँ मगर जो है कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में नहीं बैठ पा रहा, उसका कारण मैं बता दूं, यहाँ पर शनि जो है थोड़ा सा जो है कमजोर होता है, मंद होता है, तो पढ़ाई लिखाई भी यानी पंचम भाव नवम भाव पे जो दृष्टि है यहाँ पर देखते हैं भाग स्थान पे बैठा हुआ, तो ऐसे में यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है पढ़ाई में भटकाव आ जाता है। आपके लिए खास उपाय या बेटा बताना चाहेंगे, आप जो है अपने मम्मी को बोलिएगा कि आपके मस्तक के बीचों में केसर का या फिर जो है आप हो सकता है हल्दी का तिलक लगाया करें तो अच्छा रहेगा, और पीले रंग का मीठे चावल जो है आपने माँ सरस्वती को भोग लगाकर खुद भी खाना अति उत्तम हो जाता है, पीले रंग का वस्त्र पहने। जय महादेव। चलिए एक और कॉलर है, बिंदु हमारे साथ जुड़े हुए स्वागत करते हैं। हेलो, हाँ मैम, नमस्कार। नमस्कार, जय महादेव। जय महादेव, मुझे अपनी बहन के बारे में पूछना, उसका नाम दीपा है जी, और उसका जन्मदिन है 13/11/1974। और समय बताइए। और समय है 7:47 और जन्म स्थान है वाराणसी जी। क्या पूछना चाहती हैं? हाँ, मैं पूछना चाहती हूँ कि मैम इसकी शादी होगी या नहीं, और दूसरा कि इसकी जॉब जो गवर्नमेंट जॉब कर रही है वो रहेगी या नहीं, और इसका भविष्य कैसा है। बिल्कुल, यहाँ शादी में विलम्ब का कारण शायद आपको भी पता होगा, 12वें भाव की मांगलिक है जिसकी वजह से विवाह आदि में अड़चन आ रहा है, गुरु केंद्र में बैठा हुआ है, विवाह के योग में होने के बावजूद भी जहाँ कहीं ना कहीं फिर जो है गुरु जो है अब अपनी आपत्ति यहाँ पर दिखाई देते हैं, तो यहाँ पर जो है करना क्या है, तो गुरु जब भी विवाह की बात करें तो जिससे भी शादी करें तो इनके लिए जो है अच्छा रहेगा, बेहद उत्तम रहेगा कि मांगलिक लड़के से ही करें, साथ ही यहाँ पर जो है गुरु को शांति का उपाय करवा लीजिएगा। और आपने कहा कि जॉब वगैरह लगी रहेगी कि नहीं रहेगी, बिल्कुल रहेगी मगर जो है कब तक, यहाँ पर थोड़ा सा जो है नवंबर महीने में कुछ इनको परेशानी हो सकती है जिसकी वजह से थोड़ी सी अड़चन आ सकती है, तो अच्छा रहेगा कि अपने राशि के स्वामी को थोड़ा सा प्रबल बना लें, शुक्र का यहाँ पर जरकन और ज्यादातर जरकन के टॉप्स पहन सकते हैं और अंगूठी पहन सकते हैं जो इनके लिए बेहतर हो सकता है, बाकी जो है सारे ग्रह स्थिति जो है थोड़ा नवंबर दिसंबर के बाद जो है थोड़ा सा चेंजिंग आएगी तो इनके लिए शुभ हो जाएगा, मगर राशि वालों के लिए ग्रह स्थिति क्या कहती है, कहती ये है कि खाने पीने में सावधानी रखें वरना आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है, और साथ ही आपकी इच्छा शक्ति को प्रोत्साहन भी मिलेगा, व्यापार व्यवसाय भी आपका अच्छा रहेगा, मगर खास उपाय ये करना है किसी गरीब को जो है भोजन खिला दीजिएगा तो बेहद उत्तम रहेगा, ज्यादा नहीं थोड़ा सा खिला दीजिए, मार्केट से लेके खिला दीजिएगा, आपके स्वास्थ्य की बात है तो जरूर खिलाइएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। हम बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों के लिए खास उपाय क्या कहता है, भाई आपके लिए आज का उपाय ये कहता है, दिन भी ये कहता है, आर्थिक विषयों में सावधानी बरतिएगा, अपनी वाणी पर थोड़ा संयम रखिए, विरोधियों से सावधान रहें, ईश्वरी शक्ति के प्रति विश्वास बढ़ेगा आपका, और विवाहित लोग अपने जीवन साथी पर थोड़ा सा ध्यान देना आपके लिए बेहद उत्तम हो सकता है। आपके लिए खास उपाय यह है कि आज जो है अपने जेब में हो सके तो थोड़े से कुछ चावल के दाने आपने रख लीजिएगा जो आपके लिए अच्छा रहेगा, और माँ का आशीर्वाद प्राप्त करिए। चलिए हम बात करेंगे धनु राशि वालों के लिए खास उपाय और क्या दिन कहता है, अच्छे कामों में धन खर्च होगा, आत्मविश्वास भी आपका बढ़ेगा, आपकी ख्याति सम्मान में बढ़ोतरी होगी, और काम धंधे के क्षेत्र में उन्नति के योग भी बनेंगे, प्यार के इजहार के लिए आज का दिन अच्छा है, भाई होना ही भी चाहिए, समय कैसा चल रहा है,
तो आपके लिए खास उपाय ये है कि भगवान कृष्ण को बांसुरी चढ़ाना आपके दिन को और ज्यादा बेहतर बना सकता है। हम बात करेंगे मकर राशि वालों, आपके लिए आज का दिन क्या कहता है। कहता यह है कि आपको धैर्य रखना चाहिए, शांति से दिन निकल जाए इसके लिए और क्या चाहिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। और साथ ही अपने नियमित काम से हटकर कोई नया काम करेंगे और नए लोगों से भी मिल सकते हैं। तो यहाँ आज का दिन आपके खास उपाय के लिए ये कहता है कि आज जो है गरीबों में अगर हो सके तो कुछ जो है मीठा बांटना आपके लिए आज के दिन को और ज्यादा बेहतर बना सकता है। बड़े जी की पूजा आराधना करें। हम बात करेंगे कुंभ राशि वालों, आपके लिए आज का उपाय ये कहता है आपको किस्मत का साथ कुछ कम मिलेगा। सड़क पर चलते हुए या वाहन चलाते हुए आप थोड़ा सावधानी बरतेंगे तो अच्छा रहेगा। आज आपका ध्यान एक समय में एक ही जगह नहीं रहेगा, भटकाव रहेगा। एक चीज बताना चाहेंगे, एक नींबू लीजिएगा, अपने ऊपर से उतार दीजिएगा, उसके बाद हो सके तो अपने बैग में डाल लीजिएगा, लौट के आइएगा उसको फेंक दीजिएगा, तो आपके लिए आपका आज का दिन अच्छा हो सकता है। हम मीन राशि वालों के लिए आज का दिन बताते हैं, विद्यार्थियों को कोई खुशखबरी मिल सकती है। आज आप बहुत से काम निपटाने के मूड में रहेंगे, समझदारी और सावधानी से काम लें तो अच्छा रहेगा। कुछ अच्छे अवसर भी आपको मिल सकते हैं। आज आपके लिए बताना चाहेंगे, आज गणेश अष्टक का पाठ करना आज का दिन आपके लिए शुभ बना सकता है। ये थी 12 राशियां, उनके उपाय। कॉलर से जुड़ जाते हैं, कॉलर हमारे जुड़ जाते हैं। हमारे साथ कॉलर जुड़े हुए हैं। हनी जी, स्वागत है आपका। हेलो, हाँ जय महादेव जी। आपका पूरा नाम क्या है? मेरा नाम थानी है। थानी जी बताइए। मैं आपके बारे में जानना चाहती हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 18 दिसंबर 1990, आज दिन मंगलवार है जी। और टाइम तो सुबह 5:45 से 5:15 के बीच जी। क्या पूछना चाहती हैं? मेरी मतलब गवर्नमेंट जब लगेगी कि नहीं, और शादी कब तक होगी? मतलब अभी तक तय नहीं हो गया है शादी, तो कब तक होगी? और क्या मैं मांगलिक हूँ ये भी जानना चाहती हूँ। 1990 है, दिन मंगलवार है। हाँ जी बिल्कुल। चलिए आपके लिए यहाँ बता दें, आपने बात की है कि क्या जो है मैं मांगलिक हूँ या नहीं, तो यहाँ पर जो है आपकी कुंडली में यहाँ पर देखते हैं कि मंगल कहाँ बैठा है, सप्तम भाव में मंगल बैठा हुआ है, तो जाहिर सी बात है आप मांगलिक हैं, तो मंगल शांति का उपाय करवा लीजिएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही अपने राशि के स्वामी को थोड़ा सा प्रबल बनाने के लिए आपके लिए अच्छा है कौन सा व्रत पूजा आराधना करना चाहिए, वो आप गुरुवार का व्रत और पूजा आराधना करेंगे। और केले की जड़ की पूजा आराधना, केले के पेड़ में आप हल्दी वगैरह जो डाल के जल मीठा चढ़ाएंगे तो विष्णु भगवान की कृपा आप प्राप्त कर सकते हैं। और जब भी शादी करें तो मांगलिक से ही करिएगा, जो आपके लिए अच्छा रहेगा। जय महादेव। जितेंद्र जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत करते हैं। हेलो, जय महादेव। जय महादेव। मैडम मेरा नाम है अपना 27 दिसंबर 1973। 27 दिसंबर 1973। और समय बताइए। 11:55 दिन में जी। क्या पूछना चाहते हैं? मैडम मेरे ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा हो गया, मैं उसके लिए पूछना चाहता हूँ वो कर्जा मेरा कब उतर जाएगा और मुझे कौन सा काम करना चाहिए। बिल्कुल, यहाँ पे एक तो आपकी जो लगन है वो मीन लगन है और राशि है आपकी मकर। आप जैसे लोग अगर कर्जा ले लेते हैं, वैसे आप कर्जा लेना नहीं चाहिए, अगर कर्जा ले लेते तो बड़ी मुश्किल से यहाँ पर चुकता है। यहाँ पर देखते हैं दशम भाव में यहाँ पर कौन सी राशि धनु राशि संचार कर रही है। यहाँ पर सूर्य बुध राहु जो तीनों के तीनों जब जो है एक साथ बैठे हैं। आप जैसे लोग जो है अगर कुछ जैसे कि गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ जो है आपको ठेके का काम मिल जाता है तो भी अच्छा रहता है, क्योंकि आपकी जो राशि के स्वामी है मकर राशि है, तो मकर राशि के स्वामी जो शनि है वो कहीं ना कहीं जो है आपको कहीं ना ऐसे गवर्नमेंट की चीजों से भी जोड़ के रखते हैं, ठेकेदारी वगैरह के काम से जोड़ के रखते हैं, क्योंकि सूर्य और बुध यहाँ पर आ जाते हैं। और साथ ही यहाँ पर अपना खुद का व्यवसाय भी आपके लिए बेहद उत्तम हो जाता है, अपना खुद का कार्य करते हैं, अपने अंडर में जो है लोगों को रख सकते हैं। गुरु की माँ दशा चल रही है मैंने बताया, तो गुरु को थोड़ा सा प्रबल बना लीजिए जो आपके लिए बेहद उत्तम रहेगा। कुखराज पहन सकते हैं तो आपके लिए जो है आने वाला समय और भी ज्यादा बेहतर बना देगा और आपके काम काज को प्रबल बनाएगा। ये करके देखिए, हमें शुभकामना आपके साथ है। जय महादेव। सरिता हमारे साथ जुड़ी हुई है, स्वागत करते हैं। हेलो। हाँ, मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ, उसकी तबीयत खराब रहती है, उसका ग्लोबिन बढ़ा हुआ है। बेटे की जन्मतिथि, जन्मतिथि बताइए। हाँ, 1993 का जन्म है उसका, 23/2/1993 का। और समय बताइए। दिन मंगलवार, समय शाम को 7:05 जी। उसके स्वास्थ्य के लिए आप पूछना चाहती है? उसकी तबीयत खराब रहती है। और दूसरा, उसकी जॉब, वो नेवी में जॉब करता है, उसकी तरक्की कब तक हो? ठीक
एक्चुअली बेटा नेवी में जॉब करता है, यहाँ पर देखेंगे कि सबसे पहले कि कौन से, यानी कि कौन से ग्रह स्वास्थ्य के ऊपर आपने बात किया, स्वास्थ्य के लिए यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर छठे भाव में यहाँ पर कौन सी राशि है, धनु राशि वो संचार कर रही है। थोड़ा स्वास्थ्य के लिए यहाँ गुरु का जो प्रभाव है थोड़ा सा यहाँ पर कम है, तो गुरु के लिए गुरु का उपाय करना अच्छा रहेगा। अगर वैसे आप नेवी में वो जॉब करता है वो तो उपाय नहीं कर सकता, मगर उसकी फोटो हो उसके ऊपर से आपने जो है उसारना है। क्या करना है, आटा लीजिएगा, उसमें चने की दाल और हल्दी लगाने के बाद जो है उसके ऊपर से उसार कर गाय को खिलाना हर गुरुवार के दिन, एक नियम बना लीजिए। साथ ही यहाँ बुध की महादशा चल रही है, काम काज के लिए इनके तरक्की के लिए यहाँ पर बुध को थोड़ा सा यहाँ पर प्रभावशाली बनाने के, बुध क्या है बातों को इनके कहीं अच्छे से बैठ नहीं पाते, तो बुध को थोड़ा प्रभावशाली बनाने के लिए पन्ना पहन सकते हैं तो अच्छा रहेगा, जो इनके लिए ग्रह को और ज्यादा प्रबल बनाता है। जय महादेव। आज का उपाय क्या कहता है, आप ये देखते हैं लोग है ना बिना सोचे खाना खा लेते हैं। ये देखिए जिसका आप खाना खा रहे हैं वो व्यक्ति कैसा है, क्या पता वो किस तरीके से कैसे मजबूरी से जो है खाना वगैरह, कहते नहीं है जैसा आप खाओगे वैसा आप आपका मन रहेगा। जब भीष्म पितामह जब मृत्युशैया पे बैठे लेटे हुए थे तब जो है द्रौपदी ने पूछा था कि आप तो जो है इतने प्रभावशाली थे, आप जो है अन्याय कभी सहते नहीं थे, आपने मेरे साथ इतना अन्याय हो रहा था, बोले क्यों नहीं, कहने लगे कि मैं उस समय दुर्योधन का यानी कि जो है भोजन खा रहा था, यानी कि जो पापियों का कौरवों का जो भोजन खा रहा था, तो उनका जो वैसा जो भाव था वो मेरे अंदर आ गया था, इसीलिए मैंने तुम्हारा साथ नहीं दे पाया। तो कहते हैं जैसा खाओगे वैसा ही आपका मन हो जाए, जैसा खान वैसा मन, तो इसीलिए जब भी खाएं तो ये सोच समझ के खाइएगा किसका खा रहे हैं। कभी भी आप पापी चोर जो कहते हैं रिश्वत खाते हैं या कहीं से पैसा इकट्ठा करते हैं चोरी करते हैं, तो दुराचारी है निर्धन है रोगी है, ऐसे लोगों का अगर आप खाते हैं तो यकीन मानिए उनकी कुंडली में जो योग होते हैं जो उनको दंड मिल रहा होता है, यदि कोई चोर होता है उसको दंड मिलना होता है उसके भागीदार आप भी बन जाते हैं। तो इसीलिए जब भी खाएं सोच समझ कर खाएं, और बेटियों के घर का तो बिल्कुल भी ना खाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो इस तरीके का जो है होता है अगर खाते हैं तब आपने कौन सा करना है, जब बेटी के घर में खाते हैं जब भी भोजन खाते हैं कुछ दक्षिणा जरूर दे दीजिएगा। तो इसीलिए जब निर्धन के घर खाएंगे तो आप भी कहीं ना कहीं निर्धनता के बन जाते हैं, कुछ कहते हैं जबरदस्ती खाते हैं तो वो भी अच्छा नहीं रहता, मुफ्त में ना खाएं, खाना खा लें तो आप कुछ धन उस व्यक्ति को दें, और देने के साथ साथ गुरुवार को पश्चाताप के हेतु आपने ब्राह्मण और गाय को भोजन खिलाकर क्षमा प्रार्थना करते समय जरूर बोले कि हमने भूल चूक जो अपमान किया है जो गलती से खा लिया है उसके आधार पे हमें जो है क्षमा की जाए, क्षमा याचना कर देंगे तो भगवान जो है क्षमा कर देते हैं। तो ध्यान रखिएगा हर किसी के घर में भोजन नहीं करना, तो आपको भी उसके पाप का भागीदार बनना पड़ेगा। आज का टिप्स क्या कहता है, कहीं धार्मिक उपदेश या प्रवचन पूजन हो रहा हो वहां पर थोड़ी देर जरूर बैठिएगा, कहते हैं कि अगर थोड़ी देर बैठ के अगर निकलोगे सुन लोगे तो पता नहीं वो प्रवचन आपके जीवन में क्या जो है असर कर दे, क्या पता भगवान की कौन सी कृपा बन जाए तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये था आज का उपाय, आज का टिप्स, कल एक नए विषय के साथ में नए उपाय के साथ में करते हैं आपसे मुलाकात। भगवान भोलेनाथ की रहे आप पर कृपा। जय जय महादेव।